नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महेश बनवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और यह किताब पूरा वन लाइनर है, मतलब कि आपका पूरा एक लाइन में जो है आपका टॉपिक लाइन बाय लाइन दिया गया है। तो आज का जो सब्जेक्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो आपका ज्योग्राफी भूगोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जो चैप्टर आज पढ़ेंगे, टॉपिक सॉरी टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है आपका विविध मिसेलेनियस, ठीक है। इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है, कौन सी नदी हिमालय की तीन श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। तो कौन सी नदी हिमालय की तीन श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है, तो आप प्रभावित होती है तो आपका सतलज नदी है, ठीक है। तो आपका हिमालय दो सॉरी सतलज नदी हिमालय की तीन श्रेणियों से प्रभावित होती है। भारत में किन शैल तंत्रों से सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो भारत में किन शैल एक मिनट, भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो धारवाड़ तंत्र में एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। तो एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल जंगली भैंस है, ठीक है। और दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी आपका कोलकाता में है। भारत में लवणीय मृदा सलाइन सॉइल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है। तो आपका गुजरात में मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडीज कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है। तो गोंड है। और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है। तब का गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। तो अप्सरा है। तो भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो थाने है। तो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला गिर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जॉन्ज गिर चांपा है, और जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है, ठीक है। नेरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी कहाँ स्थित है। तो नागपुर में है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी कहाँ स्थित है। तो नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती है। तो ये अपवाह तंत्र रेडियल को ठीक है रेडियल का निर्माण करती है। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो ये अपवाह तंत्र रेडियल जो है तंत्र का जो है निर्माण करती है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज नारंगी कोटरी एवं निम्बरा है। तो इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ इंद्रावती इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज नारंगी कोटरी एवं निम्बरा है, ठीक है। तो इंद्रावती की प्रमुख कौन है। तो नंदीराज नारंगी कोटरी एवं निम्बरा है। गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। दलहन पल्स का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश में होता है। तो दलहन पल्स का सर्वाधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में होता है। और गन्ना शुगर केन में उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो
अब यहाँ पर रिवाइज करेंगे, कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, तो आपका सतलज नदी है। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, तो आपका धारवाड़ तंत्र में। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल आपका जंगली भैंसा है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी आपका कोलकाता में है। भारत में लवणीय मृदा सैलाइन सॉइल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो आपका गुजरात में है, ठीक है। और मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए डिपो फ्लोटिंग आइसलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। तो मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए डिपो फ्लोटिंग आइसलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं, ठीक है। फुमडिस कहते हैं उसको, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी भूंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, और जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी आपका नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाद तंत्र निर्माण करती है, तो अरीय अपवाद तंत्र, रेडियल। इंद्रवती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बरा है। और गन्ना सुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। दलहन पल्स का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब हम इधर पढ़ेंगे इस साइड, तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, ठीक है। तो भारत में सिलिकॉन वैली आपका बेंगलुरु में है। और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर जो है बनाया गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में किया गया था। और पिंक शहर आपको जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। और विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज सिक्किम है, तो विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज सिक्किम है। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डिफेक्शन फ्री पहला राज्य भी घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आपका है कर्नाटक को। तो भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है, तो आपका रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग आपका रायगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या 9 है।
छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा में है। और जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, जंगल महल पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक से। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो आपका एनसीआर में शामिल जिले जो है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से क्या कौन कौन से, तो देखते हैं। तो हरियाणा का जो एनसीआर में शामिल जिला है वो आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नू, जींद एवं करनाल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ है, मेरठ है, बागपत है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। ठीक है। और राजस्थान का है अलवर और भरतपुर है, अलवर और भरतपुर राजस्थान का दो जिला जो एनसीआर में आता है जो कि नॉन कैपिटल रीजन में आता है। ठीक है। तो हरियाणा का है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नू, जींद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान का है अलवर और भरतपुर है। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है। तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे शुरू से, इसके बाद हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला था कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो सतलज। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह आयसक पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है? छत्तीसगढ़ का राज पशु स्टेट एनिमल जंगली भैंसा है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी आपका कोलकाता में है। लवणीय मृदा सलाइन सॉइल गुजरात में है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद वाद वनस्पति से बने तैरते हुए डिपो फ्लोटिंग आइलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या आदिवासी समूह गोंड है। और भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्र वाला सरगुजा है। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नीरी नागपुर में है। और दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाद तंत्र निर्माण करती है? तो अरिया अपवाद तंत्र रेडियल। ठीक है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी और कोटरी एवं निम्बरा है। तो नंदीराज, नारंगी, कोटरी और निम्बरा है। गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। दलहन पल्स का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। विश्व मृदा दिवस
5 दिसंबर को भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी जयपुर, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, विश्व का पहला पुनर्जैविक राज्य सिक्किम, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पुणे में स्वच्छ ODF मुक्त सिक्किम, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जलवायु एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है? 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा में। जंगल महल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला और बंगाली, ठीक है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन वसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। खासी किस भाषा समूह से है? तो ऑस्ट्रिक से। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है, हरियाणा। आपका गुरुग्राम फरीदाबाद जो NCR में शामिल है, आपका हरियाणा का जो जिला है वह है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, छज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूह, जींद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान का है अलवर, भरतपुर, ठीक है, राजस्थान का अलवर, भरतपुर। और वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है, आज का टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।